I'm student of 7th class and welcome back to your study platform that is Fun with Oxford English. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की summer vacations भी start हो गई होंगी, तो लाजम मुझे comments में बताइएगा कि आप लोगों की summer vacations कैसी जा रही हैं और I hope आप सबको आपका summer pack भी मिल गया होगा और ये सारी videos जो हैं वो आपको बहुत help करेंगी आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो आज स्टूडेंट हम अपनी ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश के यूनिट नंबर 8 द लम्बर रूम की रीडिंग करेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई एम होपिंग कि आपको इसकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. तो स्टूडेंट ये जो लेसन है ये थोड़ा सा लेंथी है, लाइक 4-5 पेजेस का है, तो आज हम हाफ यूनिट की रीडिंग करेंगे और हाफ की नेक्स्ट वीडियो में. गॉट इट? चले जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक निकाले, पेज नंबर 95, यूनिट नंबर 8, द लंबर रूम. तो सबसे पहले देखते हैं लंबर रूम का क्या मतलब होता है. लंबर बेसिकली लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, यानी कि लकड़ी का बना हुआ कमरा. ठीक है, तो इसकी रीडिंग से पहले हमारे पास यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, इनको रीड कर लेते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास आंट बाय असर्शन. आंट बाय असर्शन मीन द लेडी हु कॉल्ड हरसेल्फ हिज आंट, यानी कि वो औरत जो अपने आप को उसकी आंट कहलाती है, उसकी आंटी कहलाती है, यानी कि ज़बरदस्ती कहलाना अपने आप को. ठीक है, असर्शन का मीन होता है ज़बरदस्ती. उसके बाद है डिप्रेविटी. डिप्रेविटी मीन सिल्फुलनेस, गुनाह करना, गलत काम करने के लिए डिप्रेविटी का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद थर्ड है डिसर्नमेंट. डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट का मतलब होता है द एबिलिटी टू टेल वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड, टू सी क्लियरली, यानी कि वो एबिलिटी, वो काबिलियत जिसमें आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ सही और गलत है, यानी सही और गलत में फ़र्क करने की जो एबिलिटी है उसको डिसर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड का मतलब होता है लॉस द राइट टू डू समथिंग, कुछ करने का हक खो देना. ठीक है, उसके बाद है जर्मिनेटिंग. जर्मिनेटिंग का मतलब होता है ग्रोन, उगना, बढ़ना. ठीक है, ग्रो इन नंबर. उसके बाद है गोब्लिन. गोब्लिन मीन होता है मिस्चीवियस, बुरा, अगली डैमन, बदसूरत शैतान. ठीक है, उसके बाद है एल्यूमिनेशन. एल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट, रोशन करना. नेक्स्ट है इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज का मतलब होता है मेकअप समथिंग क्विकली, कोई काम जल्दी से करना. ठीक है, एक्ट क्विकली, मूव्ड हरिडली. ठीक है, इन टाइट कॉर्नर. इन टाइट कॉर्नर मीन इन अ डेंजरस पोजिशन, ख़तरनाक हालत में, ट्रैप, जैसे कि कोई फंदा होता ना जिसमें आप फंसे हुए होते हो, जाल में फंसे होना. ठीक है, यानी कि कोई भी मुश्किल या मुसीबत में फंसने के लिए इन अ टाइट कॉर्नर का फ्रेज यूज़ करते हैं. कीप टू हील. कीप टू हील मीन कीप अंडर कंट्रोल, हर चीज़ कंट्रोल में कर लेना. ठीक है, हर चीज़ को सही कर लेना, मैनेज कर लेना. उसके बाद है ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेसी मीन स्टबर्ननेस, जिद्दीपन. उसके बाद है ओवर इंडल्ज्ड इन. ओवर इंडल्ज्ड इन का मतलब होता है इंजॉयड टू मच, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना. उसके बाद है पार्टेकन. पार्टेकन मीन ईटन, खा लेना, टेक अ शेयर इन. ठीक है, कोई चीज़ को का हिस्सा खा लेना. उसके बाद है प्यूनिटिव. प्यूनिटिव मीन मेंट टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, यानी कि जिसको सजा दी जाए, यानी कि सजा का हकदार. उसके बाद है क्वेंट. क्वेंट का मतलब है अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशन, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि पुराने दौर की हो लेकिन वो अट्रैक्टिव लगे, आपको अच्छी लगे देखने में. ठीक है, उसके बाद है रिगोरसली डैबर्ड. रिगोरसली डैबर्ड मीन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू टेक पार्ट. अच्छा जी, किसी भी चीज़ को आप जब कबूल नहीं करते और सख्ती के साथ जो है उसको कबूल नहीं करते, उसको निगलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए रेगुलरसली डेबिट का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद है स्लॉन्टर्ड. सॉन्टर्ड. सॉन्टर्ड का मतलब होता है वर्ड इन अ लयरली वे, यानी लापरवाही से चलना, डगमगाना. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रेज है सिमिंगली फिरोविलस. सिमिंगली फ्रॉबलेस का मतलब होता है अपेरेंटली सिली, जो कि बज़ाहिर सिली लगे, बेवकूफ़ सा लगे. हु एवर हर्ड ऑफ अ फ्रॉग इन वन प्लेट, यानी कि कौन अपनी प्लेट में जो है वो खुद फ्रॉग रखेगा, यानी कि अजीब व गरीब हरकतें करना. उसके बाद है टैक्टिशन. टैक्टिशन मीन वन हु यूजेस टैक्टिक्स टू ग्रेट एफर्ट, यानी कि एक इंसान जो कि जो है वो हथकंडे आजमाता है, यानी कि चालें चलता है, साजिशें करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विंस. विंस का मतलब होता है फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि
किस जगह से, यानी कि ये बेसिकली फ्रॉम वेयर की शॉर्ट फॉर्म कह लें आप, या राइटर का वे ऑफ राइटिंग कह लें कि उसने फ्रॉम वेयर की जगह पे वेंस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारे पास यील्ड। यील्ड का मतलब होता है गिव इन, कोई चीज़ दे देना, ठीक है। उसके बाद हम पेज नंबर 95 पे अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्रिवन एज अ स्पेशल ट्रीट to the sands or at Jagborough, वो कहते हैं बच्चों को Jagborough यानी कि एक साहिल समंदर पर एक ट्रीट देने के लिए उनको भेजा जा रहा था। निकोलस वाज या निकोलस कह लें या निकोलस कह लें, ठीक है, दोनों ही सही होंगे। निकोलस वाज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी, निकोलस को उस पार्टी में यानी कि उस फेस्टिवल में नहीं भेजा जा रहा था। ही वाज इन डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन उसे पनिश किया गया था। ओनली दैट मॉर्निंग, सिर्फ उस यानी उस सुबह, ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सिमिंगली फ्रोवलस ग्राउंड दैट देर वॉज अ फ्रॉग इन इट, क्योंकि उस सुबह उसने अपनी ब्रेड और मिल्क खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसने एक बहुत ही अजीब बात की कि उसकी प्लेट में जो है वो फ्रॉग है। ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क। हर बड़े छोटे समझदार इंसान ने उसे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी ब्रेड और मिल्क में जो है वो एक फ्रॉग हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 96 पे। एंड दैट ही वाज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, कहा ही कंटिन्यूड। अच्छा जी, फिर सब ने कहा कि अजीब बातें मत करो, ही कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी वो बोलता रहा। नेवर्थलेस नहीं रुका, टू टॉक व्हाट सीम टू बी नॉनसेंस, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता रहा। एंड डिस्क्राइब्ड विद मच डिटेल द कलर एंड मार्किंग ऑफ द एलीग्ड फ्रॉग, बल्कि वो ज़्यादा बहस करता रहा और यहाँ तक उसने कह दिया कि फ्रॉग का कलर क्या है और उसकी बॉडी पे किस तरह के मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि सब उसे कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं ऐसा है, जबकि उसने उसकी शक्लो सूरत और उसकी बॉडी पर जो मार्क्स थे वो भी डिटेल बता दी। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। वो कहते हैं सबसे ड्रामेटिक पार्ट जो था इस वाक्य का वो ये था कि उसके ब्रेड और मिल्क में वाकई ही फ्रॉग था। ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, उसने खुद अपने खाने में फ्रॉग रखा था। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, इस वजह से उसे उस फ्रॉग के बारे में इतना कुछ पता था। द सिन ऑफ टेकिंग अ फ्रॉग फ्रॉम द गार्डन, यानी कि गार्डन से फ्रॉग लेके आने का जो गुनाह था। एंड पुटिंग इट इन टू अ बाउल ऑफ ब्रेड एंड मिल्क वॉज डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ, फिर उस फ्रॉग को ब्रेड और मिल्क में रखने तक उसने बहुत ज़्यादा बहस की। बट द फैक्ट दैट स्टूड आउट क्लियरेस्ट इन द होल फेयर एज इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द माइंड ऑफ निकोलस वॉज दैट, तो ये सारा काम जो है वो उसने अपने माइंड में पहले बनाया था। और फिर was that the older and wiser and the people better people had been proved to be profoundly wrong, वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो हर बड़े छोटे हर ज़हीन इंसान को जो है वो wrong prove करे, ठीक है। You said there couldn't possibly be a frog in my bread and milk, अब वो आगे से कहता है निकोलस, क्या आपको वाकई यकीन है कि मेरी ब्रेड और मिल्क में एक फ्रॉग नहीं है। देर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, ही रिपीटेड, और वो बार बार जो है ये बात रिपीट कर रहा था कि मेरी ब्रेड और मिल्क में जो है वो एक फ्रॉग है। विद द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टेक्टिशियन, एक चलाक इंसान की तरह वो बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा था। हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम द फेवरेबल ग्राउंड, और इस बात से वो जो है वो बाज नहीं आ रहा था। So his boy cousin and girl cousin and his quite uninteresting younger brother were to be taken to the Jagborough sand that afternoon. अच्छा, फिर उसका जो एक मेल कज़न और एक फीमेल कज़न, उनका एक अजीबो गरीब दिखने वाला छोटा भाई जो था, उन तीनों को जो है वो साहिल समंदर पर शाम के टाइम भेजा गया। एंड ही वॉज टू स्टे एट होम, और उसको जो है वो घर रुकना था।
हिज कजन्स आंट, उसकी कज़न की आंटी, हो इंसिस्टिंग इन स्टाइलिंग हरसेल्फ हिज आंट ऑल्सो, जो कि इस बात पर जोर दे रही थी कि वो उसकी भी आंट हैं, हैड हेस्टली इन्वेंटेड द जेक बोरोग एक्सपेडिशन, उसने ही ये प्लान बनाया था इन ऑर्डर टू इम्प्रेस ऑन निकोलस द डिलाइट, ताकि वो निकोलस को वहाँ जाने की खुशी की अहमियत बता सके, दैट ही हैड जस्टली फॉरफिटेड बाई हिज डिसग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफस्ट टेबल, ताकि वो उसे जेक बोरोग सैंड जाने की जो खुशी है वो बता सके कि कितनी होती है, जिसको उसने खो दिया था अपनी इस हरकत की वजह से, ठीक है। इट वॉज़ हर हैबिट, इस तरह से बच्चों को नीचा दिखाना उसकी आदत थी, यानी आंट की, ठीक है। वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस, जब भी कोई बच्चा जो था वो इस तरह की हरकत करता था, टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर, टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर फ्रॉम विच द ऑफेंडर वुड बी रेगुलरसली डाइवर्ट, कोई भी ऐसा काम करता था जो करने से उनको सख्ती से मना किया गया होता था, इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सिंड कलेक्टिवली, अगर सारे बच्चे वो गुनाह करते थे, यानी कि सब मिलकर करते थे, दे वर सडनली इन्फॉर्म्ड ऑफ अ सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन, अ सर्कस ऑफ अनराइवल्ड मेरिट, टू विच बट फॉर देयर डिप्रेविटी दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे, तो उन सबको एक करीब के कस्बे के सर्कस में भेजा जाता था, उनसे उल्टे सीधे काम कराए जाते थे, और ये उनके गुनाह की सजा होती थी जो उन्होंने उस दिन की होती थी, ठीक है। तो ये जो उसकी उनकी आंट थी ना, वो इस तरह के बच्चों को उल्टी सीधी जो है वो पनिशमेंट देती थी, ठीक है। अ फ्यू डिसेंट टीयर्स वर लुक्ड फॉर ऑन अ पार्ट ऑफ निकोलस व्हेन द मोमेंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ एक्सपेडिशन अराइव्ड, निकोलस के चेहरे पर जो है वो कुछ आंसू आए जब उसने देखा कि जाने का वक्त करीब आया, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाउएवर ऑल द क्राइंग्स वर डन बाय हिज गर्ल कज़न, और फिर उसने देखा कि उसकी जो गर्ल कज़न है वो भी रो रही है, हुज ग्रैब हिज हर नी रेदर पेनफुली अगेंस्ट द स्टेप ऑफ द कैरिज एज शी वॉज स्क्रैम्बलिंग इन, उसने देखा कि उसकी जो कज़न है जब वो कैरिज पर बग्गी पर चढ़ने लगती है तो उसका घुटना जो है बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। हाउ शी डिड हॉल, सेड निकोलस चेयरफुली, चेयरफ यानी कि निकोलस जो है वो खुशी से कहता है कि देखो उसने अपने साथ क्या कर लिया है, एज द पार्टली ड्रॉप ऑफ विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट दैट शुड बी कैरेक्टराइज इट, कि वो कहता है कि उसने अपने साथ जो है वो कितना बुरा कर लिया, वो इंजॉय भी नहीं कर सकती, स्पिरिट्स मतलब वो इंजॉय नहीं कर सकती पूरे दिल के साथ। She'll soon get over that, said the self-styled aunt. यानी कि अपने आप को आंट कहने वाली जो औरत थी वो उसने कहा कि नहीं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sands. फिर वो फर्दर उसको ना जेलस करने के लिए कहती है कि सैंड के ऊपर रेसिंग करना जो है वो कितना अच्छा होगा। How they will enjoy themselves, बच्चे कितना enjoy करेंगे। Bobby won't enjoy himself much and he won't race much either, said Nicholas with a grim chuckle. अच्छा जी, उसके बाद निकोलस जो है वो एक कहके के साथ कहता है कि बॉबी ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकता और ना ही वो ज़्यादा रेस कर सकता है। His boots are hurting him, उसके बूट्स जो हैं वो उससे उसको तकलीफ हो रही है, they are too tight, वो बहुत टाइट हैं। Why didn't he tell me they were hurting, आज दी आंट, आंट पूछती है अच्छा उसने मुझे क्यों नहीं बताया, बॉबी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसको हर्ट हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। ही टोल्ड यू ट्वाइस बट यू वरंट लिसनिंग, यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब आगे से निकोलस उसको जवाब देता है कि उसने आपको दो दफ़ा बताया था लेकिन आपने नहीं सुना, और अक्सर जब भी हम आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे होते हैं तो आप नहीं सुनती। यू आर नॉट टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड द आंट चेंजिंग द सब्जेक्ट, अब बात को चेंज करने के लिए, यानी कि अब जाहिर है वो अपने पे इल्ज़ाम तो नहीं लेगी कि मैं केयरलेस हूँ, मैं बात नहीं सुनती, तो वो उल्टा उस पर डाल देती है कि तुम गूसबेरी गार्डन नहीं जा सकते, ठीक है। Why not, demanding Nicholas, Nicholas कहता है क्यों मैं क्यों नहीं जा सकता। Because you are in disgrace, said the aunt loftily. Aunt जब वो गुस्से से थोड़ा कह लें कि तंजिया अंदाज में उसको कहती है क्योंकि तुम सजा में हो, तुम्हें सजा दी गई है। Nicholas felt perfectly capable of being in disgrace and in a gooseberry garden at the same moment. अच्छा, Nicholas जो था वो अब सजा भी काट रहा था और उसी
लम्हे उसको गूसबरी गार्डन में जाने से भी मना कर दिया गया था। His face took on an expression of considerable obstinacy. अब उसके चेहरे पर थोड़ा सा ज़िद्दीपन आ गया था, यानी कि जैसे बच्चा ज़िद नहीं करता कि जिस चीज़ से मना किया हो वो काम करके रहता है। It was clear to his aunt that he was determined to get into the gooseberry garden. अब उसकी aunt को भी पता था कि मैं इसको जिस चीज़ से मना करूँगी वो काम करेगा, यानी कि वो determined था, उसने ये इरादा कर लिया था कि वो gooseberry garden जाएगा। Only as she remarked to herself, because I have told him he is not to. क्योंकि उसे पता था कि मैंने अब उसे जिस चीज़ से मना किया है वो काम करेगा ही। ठीक है, तो पेज नंबर 96 की रीडिंग कम्प्लीट होगी। अब हम पेज नंबर 97 पे आते हैं। ओके, ऑन पेज नंबर 97, नाउ द गूसबेरी गार्डन हैड टू डोर्स बाय विच इट माइट बी एंटर। अब वो गार्डन के दो दरवाजे थे जिसमें से एंटर हुआ जा सकता था। एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर, ही वुड डिसअपीयर फ्रॉम द व्यू। और निकोलस जैसा छोटा पर्सन किसी भी दरवाजे से अगर गुजरता तो वो गायब हो जाता, यानी कि वो इतना घना था। ठीक है, Amid the masking growth of artichoke, wraps, berry canes and fruit bushes, क्योंकि उसमें बहुत से फलदार दरख्त जो है वो लगे हुए थे और वो इतने घने थे कि अगर कोई भी एंटर होता तो वो डिसअपियर हो जाता। The aunt had many other things to do that afternoon. उस शाम जो है वो aunt ने बहुत से काम करने थे, but she spent an hour or two in trivial gardening operations among the flower beds and shrubberies. अच्छा, लेकिन उसने एक दो घंटे जो था उसने गार्डन में काम किया। उसने क्या किया कि जितनी भी फ्लावर बेड्स लगी हुई थी, यानी कि फूल की क्यारियाँ लगी हुई थी, और श्रबबेरीज यानी कि शर्ब्स लगी हुई थी, जड़ी बूटियाँ लगी होती, उसने उन पर काम करना था। When she could keep a watchful eye on the two doors that led to the forbidden paradise. और उसने अपने नज़र जो थी वो उन दो दरवाज़ों पे भी लगी हुई थी जिन दरवाज़ों से कोई भी इंसान जो था वो उस मना की गई जन्नत में दाखिल हो सकता था। शी वॉज अ वूमेन ऑफ फ्यू आइडियाज़ विद इमेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वो कहती उस औरत में इतने ख्यालात नहीं थे, पर हाँ वो कंसंट्रेशन की पावर उसके पास, यानी कि किसी चीज़ को गौर से देखना, ठीक है, उस पर तबसरे करने की जो पावर थी उसमें बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। निकोलस मेड वन और टू ट्रिप इनटू द फ्रंट गार्डन। निकोलस जो था वो एक दो दफ़ा जो था वो गार्डन के सामने गया, ब्रिंगलिंग हिज वे टूवर्ड्स वन और अदर ऑफ द डॉग, ताकि वो देख सके वो किस तरह एक या दूसरे दरवाजे तक पहुंच सकता है गार्डन के। But never able for a moment to evade the aunt's watchful eye. लेकिन उस वक़्त जो था वो अपनी aunt की आँख से, उसकी नज़र से नहीं बच सकता था। As a matter of fact, जिसकी वजह से he has no intention of trying to get into the gooseberry garden. तो उसने उस टाइम जो था वो गार्डन जाने की जरूरत नहीं की। But it was extremely convenient for him that his aunt should believe that he had. It was a belief. लेकिन उसे पता था कि मेरी आंट को पता है कि मैं ये काम लाजमी करूँगा। It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. और वो तकरीबन शाम काफ़ी देर तक अपना काम जो था वो करती रही। Have thoroughly confirmed and fortified her suspicion. यानी कि बहुत देर तक वो उसने निकोलस पे नज़र रखी, और जब उसे कन्फर्म हो गया कि निकोलस जो है वो नहीं करेगा, निकोलस स्लिप बैक इनटू द हाउस, निकोलस जो था वो घर आया एंड रैपिडली पुट इनटू एग्जीक्यूशन अ प्लान ऑफ एक्शन, और अपने दिमाग में वो सारा प्लान जो था वो बनाने लग गया, दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन, जो कि बहुत देर से उसके दिमाग में आ रहा था। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक अपनी रीडिंग जो है वो करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आई थिंक इतनी लंबी हम वीडियो नहीं बनाते, आप लोगों के लिए समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज हमने पेज नंबर 95, 96 और 97 हाफ तक रीडिंग किया, यानी फर्स्ट टू पैराग्राफ। आई होप आपको इस यूनिट की समझ आ गई होगी, इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे विद ट्रांसलेशन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।